जिंद क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिंद रोहतक रोड पर यात्रियों से खचाखच भरी हरियाणा रोडवेज की बस और कैंटर की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में करीब 20 यात्री घायल हो गए। आनन फानन में राहगीरों की मदद से सभी घायलों को जिंद नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और चालक की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद कैंटर चालक कैंटर को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। रोहतक से आ रहे थे, किनाना के पास ये दुर्घटना हुई है। लगभग 60% सवारियों को चोटें आई। ड्राइवर तो वैसे खिड़की पाड़ के निकाला गया है और ड्राइवर की तो काफ़ी खस्ता हालत है, शायद मालिक करे वो बच जाए। तो इसमें कितने लोग घायल हुए जी? ये लगभग 95% लोगों को चोटें आई हैं। कितनी कहां से हुआ है? ये उधर से एक ट्रक वाला आ रहा था, वो टक्कर मार के चला गया, वो रोका भी नहीं। धुंध भी थी? हाँ, धुंध के कारण ही हुआ। बस अपनी साइड में बिल्कुल सेफ चल रही थी, हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की कोई गलती नहीं। ये किनाना के पीछे तो भाई अगर बस अपनी साइड में सही आ रही थी, एक कंट्राला था वो ओवरटेक में था, अच्छा पूरी स्पीड में था, उसने बस वाले ने नीचे भी गेड़ी, फिर भी वो कंट्राला ने उसके अंदर आन दी सीधी। तो कितने लोग गए लोग इसमें? इसमें कम से कम 15-20 सवारियों का चोट है। तो ड्राइवर भी राणों के साथ में पाड़ के निकाला है। ड्राइवर? हाँ, बस वाला। अच्छा जी, तो इसमें कोई डेथ भी है? ना ना ना, चोट चोट है। अच्छा अच्छा, तो आमने सामने टक्कर हुई थी? हाँ, आमने सामने टक्कर हुई। तो कहाँ की बस थी ये? रोहतक डिपो की थी। जी नाल थी? तो सुबह जो है 8:30-9 बजे जब हम सिविल हॉस्पिटल जींद में पहुंचे तो रोडवेज की एक जो बस है वो पेशेंट्स को लेकर के आ रही थी, और उनको जब हमने देखा तो जो है मल्टीपल बहुत सी कैजुअलिटीज थी। लगभग 20 के करीब जो है वो पेशेंट एक साथ आए रोड साइड एक्सीडेंट के, और उनसे पूछने पे पता चला कि जींद से जो रोहतक बस जा रही थी और वो रोहतक डिपो की थी, किनाना के आसपास जो है उनका एक्सीडेंट हुआ ओवरटेकिंग या किस वजह से, और यहाँ पेशेंट पहुँचे हैं 20 के करीब, उन सभी को अटेंड किया जा रहा है। जो माइनर इंजरीज वाले हैं उनको अटेंड करके दवाई लिख के भेज रहे हैं, बाकी जो सीरियस पेशेंट है वो अभी यही है हमारे पास। जानकारी के मुताबिक ये दर्दनाक सड़क हादसा गांव किनाना के पास का बताया जा रहा है। जब सुबह 8:30 बजे जिंद से रोहतक की तरफ जा रही रोडवेज बस किनाना के पास पहुंची तो तभी सामने से आ रहे एक कैंटर ने बस को सीधी टक्कर मार दी और बस आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आनन फानन में यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया जब तक एम्बुलेंस आती। उससे पहले रोहतक की तरफ से जिंद आ रही बस में घायल यात्रियों को बैठाकर जिंद नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि कुछ यात्रियों को सिर में टांग पर चोटें लगी हैं। वहीं चालक की गंभीर हालत देखते हुए उसे पीजीआई रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह हादसा धुंध और ओवरटेकिंग के कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और कैंटर चालक की तलाश में जुट गई है। जिंद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।